गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है बीटी यूपी के सिलेबस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज में सीख रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट सीख रहे हैं अभी तक, लेकिन ये समझा गया कि ह्यूमन वैल्यूज़ की भी आवश्यकता है जो हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, तो इसके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया। तो NSQF अपडेटेड सिलेबस में ये UHV जो है डिप्लोमा कोर्सेज में भी अब लॉन्च कर दिया गया है। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द स्टूडेंट अप्रिशिएट द एसेंशियली कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन वैल्यूज़ एंड स्किल्स टू एंश्योर सस्टेंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विच आर द कोर एस्पिरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें वैल्यूज़ और स्किल्स के बीच में सामंजस्य बनाए रखते हुए हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बनाना, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन में समाहित कर सकें, इसके लिए ये सिलेबस लॉन्च किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए दो थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव आपने देखा, यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देखिए, सिलेबस में जो है वो सेशनल मार्क्स इंटरनल जो है 20 मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल मार्क्स 30 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स इसको अलॉट हुए हैं। और एवरी टू लेक्चर्स ऑफ 1 आवर ईच एंड देर इज 1 आवर प्रैक्टिस सेशन, तो ये हमने देखा अभी LTP के द्वारा। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे कोर्स इंट्रोडक्शन, जिसमें कि नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज इट, इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन एज द मैकेनिज्म फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। थर्ड लेसन पढ़ेंगे कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ए लुक एट बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। फोर्थ लेसन में पढ़ेंगे राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। फिफ्थ लेसन में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली, ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करेंट सिनेरियो। सिक्स्थ लेसन में हम पढ़ेंगे मेथड टू फुलफिल द अबव ह्यूमन एस्पिरेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन द हार्मनी एट वेरियस लेवल्स। यूनिट 2 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग एंड हार्मनी इन माइंड सेल्फ। तो इसके अंतर्गत हम लेसन 1 में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंसियंट एल एंड मटीरियल द बॉडी। तो हम इसमें को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, आई और बॉडी के बीच में, मतलब मैं और शरीर, इन दोनों के बीच में को एग्जिस्टेंस की सबको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, बॉडी और सेल्फ की आवश्यकता को समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हारमोनी इन आई, अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी ऑफ आई विद द बॉडी एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। तो ये यूनिट 2 में ये 6 सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। तो ये प्रैक्टिस सेशन हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने लेसन्स में। यूनिट 3 है अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, सोसाइटी और फैमिली के बीच में कैसे सामंजस्य बना के रखें, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रखें, इसके बारे में इस यूनिट में हम जानकारी लेंगे। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ इन द ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे समझने के लिए हैं, ठीक है। फोर्थ लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे द मीनिंग ऑफ सम्मान, तो जो हम चाहते हैं कि भाई हमें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन को समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है। पांचवें लेसन में अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जा सके,
समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे। विजुअलाइजिंग यूनिवर्सल ह्यूमेनियस ऑर्डर इन सोसाइटी, जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसकी बात यहाँ पर हम करेंगे और इसके साथ साथ हम इसको प्रैक्टिस में भी लाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस में लाने के, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। यूनिट फोर में हम नेचर के साथ अपने को कैसे देखते हैं और नेचर से कैसे अपने को मिला सकते हैं, नेचर का और हमारा को एग्जिस्टेंस कैसे संभव है, इसकी जानकारी हम यूनिट फोर में समझेंगे इसके बारे में। तो लेसन वन में अंडरस्टैंडिंग द हारमनी इन द नेचर, नंबर टू लेसन में इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर्स ऑफ द नेचर, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन द नेचर। लेसन थ्री में अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व की बात करेंगे। नंबर फोर लेसन में हम पढ़ेंगे होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हारमनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये भी प्रैक्टिस सेशन है, इसको हम देखेंगे। यूनिट फाइव में इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हारमनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, अब इन सब चीज़ जो हमने समझी ऊपर, जो हमने पाँचों हमने देखा कि सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस और हारमोनी के साथ हम कैसे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ कैसे रह सकते हैं, उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स के साथ कैसे हारमोनी बना के रखें, इसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। और लेसन फोर में हम देखें कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, एबिलिटी टू यूटिलाइज कॉम्पिटेंस फॉर ऑगुमेंटिंग, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट पैटर्न फॉर द अबव प्रोडक्शन सिस्टम, केस स्टडीज ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स। एंड नंबर सिक्स में हम देखेंगे स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो ये सब हम यहाँ पर इस यूनिट फाइव में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल है टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ सेल्फ, पेरेंट्स एंड टीचर्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के स्टडीज विल बी टेकन अप इन प्रैक्टिस सेशन, तो ये चीज़ें हम इसमें सिलेबस में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकें। इसके लिए हम असाइनमेंट्स, क्विज, मिड टर्म रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल असेसमेंट्स वगैरह हम देखेंगे। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, गूगल क्लासरूम में आप लोग बने रहें तो वहाँ स्टडी मटेरियल मिलेगा, जूम मीटिंग के थ्रू हम इसको सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन को, इस लेसन को या इस विषय को हम पढ़ने के बाद अपने में एक अच्छा सुधार ला पाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, कोशिश करेंगे सुबह के टाइम में हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज करें, हेल्दी बॉडी के लिए, और थ्योरी पार्ट जो है हम लेसन के टाइम पे लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।